अलका पाठक की बाल कहानी तितली और बाबू। बाबू है एक लड़का, छोटा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, होशियार, लेकिन थोड़ा सा नटखट। बाबू है तीसरी कक्षा में, इस बार दिल लगाकर पढ़ा, मेहनत की, कोशिश की, नंबर आए पूरे बटा पूरे। बाबू खुश, बाबू की टीचर भी खुश, मम्मी खुश, पापा खुश, नानी खुश, नाना खुश। खुश होते हैं तो करते हैं क्या? खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते गाते हैं, दोस्तों के संग नाचते गाते हैं, मजे उड़ाते हैं। बाबू ने भी यही किया, रिपोर्ट कार्ड दिखाया, शाबाशी मिली, प्यार मिला, दुलार मिला, इनाम का वादा मिला, बाबू खुश। कूदकर बरामदे की सीढ़ियां उतरा, फाटक और बरामदे के बीच छोटा सा बगीचा है। बगीचे में घास है, क्यारियां हैं, फूल हैं, पौधे हैं, बेल हैं, पेड़ हैं, बीच में सीमेंट का बना रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर गमलों की कतार है, गमले में रंग रंग के फूलों की बहार है। फूलों ने देखा, पत्तियों ने देखा, पेड़ पर बैठी चिड़िया ने देखा, कोटल में बैठे तोते ने देखा, और घोंसले में बैठे बैठे चिड़िया के नन्हे मुन्नों ने उचक उचक कर देखा। देखा कि श्रीमान बाबू अपने खुद्दे दांतों को चमकाते हुए हंसते हुए चले आ रही हैं। भाई, जिसके पूरे बटा पूरे नंबर आएंगे वह तो हंसेगा, खिलखिलाएगा। अगर फूलों के, पत्तियों के, पंखुड़ियों के, घास और बेल के, लता और पत्तों के, पेड़ के, गमलों के दांत होते, अधर होते, तो वह हंसते, खूब खूब हंसते। बाबू उनका दोस्त जो ठहरा, पर ना उनके दांत ना अधर, फिर कैसे हंसी मुस्कुराएं, खिलखिलाएं। बस फूल हिले, पत्तियां डोली, पेड़ों की शाखों ने हिल हिल कर बाबू को शाबाशी देनी चाहिए, पर बाबू की समझ में ही नहीं आया। उसने एक गुलाब को पकड़कर उसको उमेठा और झट से तोड़ लिया। गुलाब का फूल कराह उठा, बाबू को सुनाई नहीं दिया। उसने गुलाब का लाल रंग देखा, खुशबू को सूंघा, और अभी सूंघ ही रहा था कि क्या देखता है कि दो तितलियां, एक गुलाबी और एक सतरंगी, बगीचे के कोने में क्यारियों के फूल पर सैर कर रही हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। बाबू उन्हें पकड़ने को झपटा, लगभग दौड़ा, तितली तक पहुंचा, रास्ते में फूल हाथ से गिरा। फूल की सुध ही कहाँ थी, आंख तितली पर जो लगी थी। जब तक तितली के पास पहुंचा, तितली उड़कर दूसरी ओर। तितली की इतनी हिमाकत कि बाबू से बचे, बाबू की पकड़ से गणित के सवाल नहीं बचे। तितली समझती है कि बाबू से बच जाएगी। बाबू कितना होशियार है, और मम्मी का कहना है कि कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। एक बार की कोशिश नहीं, लगातार कोशिश करने से बहुत कुछ हो सकता है। एक बार की कोशिश नहीं, लगातार कोशिश। बाबू कोशिश और मेहनत से ही पूरे बटा पूरे नंबर लाया है। कोशिश और मेहनत से सब कुछ हो सकता है। बात सच है, सच निकली। तितलियां बाबू से आंख मिचोली खेली, सारे बगीचे में डोली, बाबू को भी कभी दौड़ाया, थकाया, छकाया और पिदाया। पिदाया मायने कि हारने वाले को खूब दौड़ाना। जानबूझकर बाबू ने हिम्मत नहीं छोड़ी, पक्का इरादा, तितली अगर पकड़नी है तो पकड़नी ही है, बीच में छोड़ना नहीं, तितली से मुंह मोड़ना नहीं। तितली बहुत अकड़ी, अंत में गई पकड़ी। गुलाबी तो उड़ गई थी, हाथ आई सतरंगी, इंद्रधनुष के सातों रंग ऊपर छिटके हुए, रंग रंग की धारियां, धारियों की कतार पर नन्नी नन्नी बुंदकियां, रंग रंग की, प्यारे रंग, निराले रंग, निखरे निखरे, चमके चमके, दमके दमके। बाबू भागा, कितना दौड़ा, कितनी कितनी देर, तब गई तितली पकड़ी। बाबू की अंगुलियों में तितली कसमसाई, छटपटाई, घबराई। फूल नहीं बोलते, पौधे नहीं बोलते, घास और पेड़ भी नहीं, बेचारा वह गुलाब भी नहीं जिसको बाबू ने पौधे से तोड़ा था।
तितली के चक्कर में पैरों से रोंदा था। वह चिल्लाया, रोया, बाबू ने सुना नहीं। तितली रोई, चिल्लाई, कसमसाई, घबराई, बाबू ने सुना नहीं। तितली भी बोलती नहीं। बाबू ने तितली को किताब में बंद किया, किताब बस्ते में, बस्ता बंद। बाबू ने स्कूल में अपने दोस्तों को बताया, कैसी सुंदर तितली पकड़ी, कितने मेहनत से। बस्ता खोला, किताब बस्ते से निकाली, किताब खुली, तितली ना हिली ना डुली, उड़ी नहीं, वैसे ही पड़ी थी चुपचाप। पंख सुंदर, पर उड़ते में जितने सुंदर लगती थी वैसी अब नहीं लगी, बस ऐसी जैसे कोई चित्र हो, दोस्तों ने कहा मर गई। अच्छा, किताब में मर गई होगी, घर जाकर बगीचे में उसी क्यारी में रख देगा तो जी उठेगी। बाबू ने तितली को सहेजा, जतन से रखा, घर लाया, स्कूल से लौटा, बरामदे में बस्ता रखा, किताब निकाली, तितली को उठाया, क्यारी तक लाकर घास पर रखा। तितली वैसी ही पड़ी रही, हिली नहीं, डुली नहीं, मर गई थी। जब तक बाबू ने पकड़ी थी तब तक उड़ती थी, डाल डाल डोलती थी, फूल फूल घूमती थी, खेलती थी, बाबू के संग पकड़ा पकड़ी, आंख मिचौली, तितली बेजान, बाबू उदास, गुलाम नाराज। कल तोड़ा था एक सुंदर फूल, पैरों तले रोंदा था, घास रूठी थी, उस पर जूते पहने कूदा था, चिड़िया नाराज, गमलों के पौधे नाराज, पौधों के फूल नाराज, कोटर में बैठा तोता बोला टैं टैं टैं, घोंसलों में बैठे चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों ने उचक उचक कर बाबू को देखा, बोले चैं चैं। पेड़ नहीं बोले, पेड़ की डालियां नहीं बोली, घास और पत्तियां नहीं बोली, क्योंकि वह बोल नहीं सकते, बोलते नहीं। तोते और चिड़िया, चिड़ियों के बच्चे बोलते हैं टैं टैं, ची ची, ची ची, चैं चैं चैं, वही बोलते, वही बोले। अगर हमारी तरह बोल सकते तो बोलते, शेम शेम। बाबू से कुट्टी, बाबू से कुट्टी, तितली की, गुलाब की, फूल की, पौधे की, घास की, पेड़ की। जब बाबू के पूरे बटा पूरे नंबर आए तब सब कितने खुश थे, बाबू के दोस्त थे। बाबू से आज नाराज हैं, कुट्टी किए बैठे हैं। फूल पौधे, घास पत्ते, बेल और पेड़ों की, तितली की कुट्टी बाबू से हुई, तुमसे तो नहीं। अच्छे बच्चों से किसी की कुट्टी नहीं होती, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना।